हाल गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? अरे हाँ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं यार बच्चा। तुम लोग ऐसे करोगे, ऐसे टेंशन ना लो, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए क्लास मुझे स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हो गया। और सिंस आप लोग इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, और आप लोग तो समझते भी हैं, ठीक है? अब जल्दी से सभी के साथ शेयर कर लो और मुझे ये बता दो कि क्या आप सबको मैं सुनाई दे रही हूँ। इफ यस, तो देन वी कैन गो अहेड। गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग आंचल, निशी, एंड ये कौन है भाई अपना, देवी, शिवानी। बोलती है किसी का वीडियो नहीं चल रहा है मैम, लाइव है यार। ये बहुत सही था, है ना शिवानी? गुड वन। बोलती किसी का वीडियो नहीं चल रहा है। अब आई थिंक सबका वीडियो चल रहा होगा, ठीक है? तो टेंशन मत लो, आज पूरा ऑर्गन पाइप हम लोग फिनिश कर लेंगे, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो आप लोग। गुड इवनिंग श्रेयश्री। उम्मीद है कि अब सबका वीडियो चल रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम आगे बढ़ जाते हैं और सबके साथ शेयर कर लीजिए आप लोग। चलिए लेट्स गो अहेड नाउ, ठीक है? हेलो तनाया। तो यस, फिलहाल ऑलरेडी हम लेट हैं, तो इसीलिए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सभी लोग बच्चा शेयर कर लेंगे सबके साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम मजेदार है, मस्त, एकदम पूरा थ्योरी कवर करके प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो लेट्स गो अहेड नाउ। हाँ भाई, मैं पूरा फिजिक्स करवाऊंगी, अब इतना सब तो बता दिया। कल मैं आपको पूरा मार्च का भी स्केड्यूल देने वाली हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा और ट्रस्ट आ जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, पहली बात तो जो आप लोग पढ़ते हैं, इट्स लाइक यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप लोग फ्लूट बजाते हैं, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूजुअली आप क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद कुछ ना कुछ तो साउंड सुनाई देता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, वो जो हम लोग यू नो कैप वगैरह ले लेते हैं, आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेन का कैप लेके उसके बाद विसल करते हैं, या वाटर बॉटल होती है, वाटर बॉटल खाली होती है, आप उसके अंदर देखो ऐसे आप जब एयर ब्लो करते हैं, फूकते हैं, तो क्या होता है, आवाज सुनाई देता है ना, समझ में आया? तो वही चीजें हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गन पाइप हो सकते हैं। तो मेनली हम किसके कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ऑर्गन पाइप, एक हम लोग कह सकते हैं विच इज ओपन, ठीक है, बोथ एंड ओपन कह सकते हैं आप, और दूसरा जो हो जाएगा वन एंड क्लोज, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ यू गाइस कैन से दैट दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, तो ऐसे लिख देते हैं ना, थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमने अच्छे से पढ़ाई की है। बोथ एंड ओपन, ठीक है, एंड हियर आई कैन से दैट वन एंड क्लोज, है ना? यस और नो बच्चा पार्टी? बिल्कुल। तो वन बाय वन वी विल स्टडी, हम बोथ एंड ओपन को भी पढ़ेंगे। जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी, जिसको हम बहुत प्यार से बांसुरी कहते हैं, उसमें देखो दोनों साइड से ओपन होता है ना, और जो अदरवाइज हम लोग ने वाटर बॉटल वाला एग्जाम्पल लिया, पेन के कैप वाला एग्जाम्पल लिया, वो क्या होता है, वन एंड क्लोज होता है ना, क्योंकि नीचे से तो क्लोज है, उसके बाद हम उसमें एकदम अपना जी जान लगा के मस्त जितना एक्सपेरिमेंट करना होता है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? चलो फिलहाल इसको यहाँ रखते हैं, ताकि थोड़ा आप लोग अच्छे से दिखेंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। सो नाउ लेट्स गो अहेड। अब इस पे हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, और अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ कैसे करें, एक वन एंड क्लोज यहीं पर इसके नीचे ड्रॉ कर लेते हैं ना। सो इसके नीचे अगर हम ड्रॉ करेंगे, सो लेट्स से फर्स्ट बोथ एंड ओपन, तो बोथ एंड ओपन वाला टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ से दोनों ही साइड ओपन है, आप कह सकते हैं कि तुम्हारा ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स है, और दूसरे वाले में क्या कर दें, एक हम लोग क्लोज कर देंगे, एक एंड को इस तरह से ऐसे क्लोज कर देंगे, झंझट ही खत्म, है ना? सो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से दैट, ये तो तुम्हारा एक हो गया, और ये जो है हमने यहां से ले लिया, दिस वी कैन से दैट दिस इज वन एंड क्लोज, बराबर है
मैम फिर PYQ कब करवाएंगे इसके? आज ही करवाएंगे मानी, 10:30 PM है ना सेशन अपना, 10:30 PM पे हम इसके PYQs करेंगे, ठीक है? टेंशन ना लो बिल्कुल भी एकदम, आज फुल ऑर्गन पाइप फिनिश A to Z। अब हम जल्दी से आ जाते हैं फटाफट से, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? स्टैंडिंग वेव्स का मतलब क्या होता है, और जरा सबके साथ शेयर करते रहो, संडे है फिजिक्स पढ़ना तो बनता है भाई, ठीक है? कंजूसी नहीं करो। तो स्टैंडिंग वेव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब बच्चा पहले तो ये समझना है कि स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है। वैसे आप सभी लोग ने वेव्स में पढ़ा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है? स्टैंडिंग वेव्स का मतलब क्या होता है कि अपने ही मेन पोजिशन पे जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, जो भी पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजिशन, और उसके वजह से जो वेव्स क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ या एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, तो वेव जो होगा वो फॉर्म होगा। हेलो बच्चा, दोज हु आर न्यू, यू पीपल कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? सो दैट कि आप रेगुलरली, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो उस हिसाब से अभी हमने क्या कंसिडर किया कि आपने जो क्लोज एंड पाइप लिया हुआ है, ठीक है, मतलब वन एंड क्लोज हमने बोल दिया है, और सपोज कि वो थोड़ा सा पार्शियली फिल्ड है। मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट हम लोग डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हमने यहाँ से ये कुछ तो ऐसा पाइप ले लिया, ठीक है, एंड वी आर सेइंग कि इसको हम लोग ने थोड़ा सा ना फिल कर देते हैं, कुछ भी आप पानी के साथ भर दीजिए या कोई और लिक्विड डाल दीजिए, वट एवर। सो लेट्स से कि हम लोग ने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से फिल किया हुआ है, समझ में आया? अब ये जो बचा वाला पार्ट है, बचा वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर एयर है, ठीक है? यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर है, और ये आप लोग ने फिल किया है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, किसी के साथ भी आप उसको फिल कर सकते हैं, लिक्विड है। नाउ बच्चा मेरी क्लास का टाइमिंग जो है अभी 1:08 PM है, उसके बाद में 10:30 PM है, एंड फ्रॉम मार्च 1 ऑनवर्ड्स आपके लिए मैं एक ही टाइम रख दे रही हूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है? सो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, आराम से पूरा जो 100 डेज का हमने चैलेंज लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही साथ में कंपेयर वन टेक में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उस पे मैं आती हूँ, लेट मी जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट, ठीक है? तो चलिए, अब ये यहाँ पर एयर हो गया। नाउ तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि अलग अलग दो वेव्स जब इंटरफेयर करते हैं, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं कि दो वेव्स इस तरह से आके इफ दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर। तो हम जरा सा डायग्राम कोशिश करते हैं, अच्छा वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसा डायग्राम हो गया, लेट मी टेक अनदर वेव, ये जो है इस तरह से ऐसे आ रहा है, हाँ या ना बच्चा पार्टी, बराबर ना? जब हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। एक थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बट फिलहाल काम चला लीजिए। एक्चुअल में ये जो एम्पलीट्यूड है दोनों का वो सेम होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक बार वापस से कोशिश करती हूँ कि प्रॉपरली ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली नाउ। ठीक है, चलो अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है ना। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने दो वेव्स कंसिडर किया, एक जो पॉजिटिव हाफ में जा रहा है, ये मान लो आप मेन पोजिशन है, इसको आप प्लस ए बोल दीजिए, मतलब जो एम्पलीट्यूड अगर हम प्लॉट कर रहे हैं ये आपका माइनस ए हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर आइदर हम टी प्लॉट करते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस टाइम बोलते हैं, अदरवाइज हम क्या प्लॉट करते हैं, ओमेगा टी, फेज हम बोल देते हैं, ऑल राइट, ठीक है? तो नाउ अब जब ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर करने के बाद में आप देख रहे हैं कि एक जगह पर ऐसे नॉट्स फॉर्म हो रहे हैं जहां पर एग्जैक्टली एक दूसरे के इंटरसेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना इंटरसेक्शन, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर एक्चुअल में जिनका डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो मिनिमम होता है। ये सब चीजें हमने वेव्स में पढ़ी होती हैं, बट ठीक है मैं यहाँ बता देती हूँ। तो जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है उसको हम बोलते हैं नोड, तो डिनोट किससे करते हैं, एन से। तो ये वाला पॉइंट भी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और जहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है? ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दोनों को मिला के
तो ये इसको हम बोल देंगे एंटी नोड। हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंटी नोड। एन स्टैंड्स फॉर, एन का मतलब होता है नोड और ए का मतलब होता है एंटी नोड। समझ में आया बच्चा आप लोगों को? अब बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो जो वेक्टर्स में आप इक्वेशन पढ़ते हैं ना, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एग्जैक्टली ये यहाँ पर भी हम वही करते हैं। अगर हम क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सपोज ए से निकाल रहे हैं, तो हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इट इज सिंपली गिवन एज ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइज ऑफ ए वन ए टू कॉस ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाता है, फाइव टू माइनस फाइव वन। ठीक है, तो फाइव टू माइनस फाइव वन क्या है, एक्चुअल में ये फेज डिफरेंस है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम ये वाले पोजीशन पे बात करते हैं, मतलब जहां पर नोड है, तो नोड पे तो दोनों ही सेम पॉइंट पे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ये फर्स्ट वाला जो वेव है ना, इसका सपोज की क्या है, एम्पलीट्यूड ए वन है, और यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं सेकेंड वाले वेव का जो एम्पलीट्यूड है, बिकॉज एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर डायरेक्शन में हुआ या नीचे कहीं भी, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मान लो फर्स्ट वाले वेव का ए वन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए वन है, सेकेंड वाले वेव का यहाँ से लेकर के ए टू है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर चीजें प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ये रिजल्टेंट वाला एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, रिजल्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन मिलेगा, तो एक केस में आप क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा फाइव टू माइनस फाइव वन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सेकेंड केस में यहाँ पर जो जब आप किसकी बात करें कि एट दिस पॉइंट एंटी नोड वाले पॉइंट पे, तो वहां पर फाइव टू माइनस फाइव वन पाई हो जाएगा, देन कॉस 180 माइनस वन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट वाला तुमको मिलता है, ठीक है, आप लोग यहाँ तीन केसेस आपने पढ़ा होगा, इसको सिंपली आप फाइव भी लिख सकते हैं। तो तीन केसेस कौन कौन सा पढ़ते हैं, एक आप फाइव टू माइनस फाइव वन या तो जीरो हो सकता है, सेकेंड फाइव टू माइनस फाइव वन क्या हो सकता है तुम्हारा, पाई हो सकता है। लेट्स से फाइव टू माइनस फाइव वन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो उस हिसाब से इसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको चीजें मिल जाती हैं। और ये वाले केस में ये जो ए वन और ए टू है, ठीक है, ए वन है और ए टू, सपोज कि ऐसा वेव हमने कंसिडर किया है कि जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, मतलब ए वन इज वॉट इक्वल टू ए टू। तो अगर ए वन इज इक्वल टू ए टू है, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, मान लो इसको हम लोग इक्वल टू ए कह दिया हमने, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर विल बी टू ए स्क्वायर, यहाँ से टू ए स्क्वायर हो गया। तो आप देखो ना, अगर कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो कितना होता है, वन हो जाता है, बराबर, कॉस जीरो वन हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप सपोज की कॉस पाई ले रहे हैं, कॉस पाई माइनस वन हो जाता है, सो ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस फॉर्मूला में अगर मैं क्या बोलती हूँ कि सपोज ये मेरा देखो ये चीजें अगर आपने की हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हैं तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि नहीं ये पता होगा तो फिर गड़बड़ करोगे आप। इसको मैं क्या बोल दूं, ए का स्क्वायर फेज डिफरेंस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स में क्या बोल रहा है मैम, फेज डिफरेंस स्टैंडिंग वेव्स में तो पे होता है मानी बच्चा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार मुझे आप वापस बता दो। मैं हमने सिर्फ नोड और एंटी नोड को समझने के लिए ये चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ऑर्गन पाइप पे नहीं आए हैं, तो फिलहाल उस चीज पे यहाँ पर आ जाइए। हाँ बच्चा, हम सारी चीजें कवर करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम सब के सब अप्रैल एंड या मई मिडवीक तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं सिर्फ क्या लिख दे रही हूँ, जैसे कॉस डेल्टा फाइव कर देती हूँ मैं। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, विच इज टू ए स्क्वायर प्लस ये हो गया तुम्हारा टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। अब अगर देखो डेल्टा फाइव जीरो है, मतलब कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा,
और 4a² हो जाएगा, 4a² मतलब आप बाहर निकाल सकते हैं, a कितना आ जाएगा, a विल बी व्हाट, 2a, ठीक है। और ये कहाँ पर आ जाता है तुम्हारा, विच विल बी व्हेन फाई या डेल्टा फाई जो है वो कितना है आपका, इफ इट इज कॉस 90, सॉरी 0 हो गया ना, ये 0 है तो ये 2a हो गया, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज, और ये ए रिजल्टेंट है, ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा विच इज a1 + a2, ठीक है। अगर a1 और a2 सेम नहीं है, आई कैन से दैट a1 + a2, और इस केस में तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड आता है मैक्सिमम है, और ये कब होता है, ये एंटी नोड वाले केस में होता है, जो आपका एंटी नोड फॉर्म हुआ है, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, मैंने क्या बोला कि a1 और a2 दोनों ऐड होके पूरा का पूरा आपको बता देंगे, तो ये जो यहाँ से हम देख रहे हैं आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरा, मतलब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा इनका, इट विल बी व्हाट सिंपली गिवन बाय विच इज a1 + a2, तो वहां पर एंटी नोड फॉर्म हुआ है। अब यही अगर मैं नोड के लिए देखूं तो मतलब इस हिसाब से हमारा तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या आ जाना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो चलो देखते हैं मिनिमम आएगा तो कैसे होगा, पाई होता है, तो मैं क्या बच्चा मानी हम रिजल्टेंट वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अलग अलग केसेस हो जाएंगे ना, यहाँ पर अगर हम क्या बोल रहे हैं फेज डिफरेंस, यहाँ पर एक्चुअल में आपका a1 + a2 नहीं होगा, दिस विल बी केस ऑफ a1 - a2। देख वेव जो हो सकते हैं, वेव या तो इन फेज हो सकते हैं, आउट ऑफ फेज हो सकते हैं, ठीक है, तो इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ये वाला जो है ये आउट ऑफ फेज है यहाँ पर, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई का है, ये एग्जैक्टली उल्टा है। और अगर हम लोग जीरो फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो वो इस तरह से होगा, एक वेव इधर आ गया, दूसरा वेव इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है मानी, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में आया, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, a1 हो गया, और यहाँ से यहाँ a2 हो गया, दिस इज व्हाट a1, और ये दूसरा क्या हो जाएगा a2। हाँ नाजिम ऑलरेडी 100 days की प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, आप चेक करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो टेंशन ना लो, समझ में आया। इस केस में, ये वाले केस में जो अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, इट इज a1 + a2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये वाला जो केस है यहाँ पर, सिंस फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का है, तो ये a1 - a2 हो जाएगा। और अगर फेज डिफरेंस तुम्हारा दूसरा 0 का होता है तो 0 हमने डिस्कस कर लिया, पाई डिस्कस कर लिया, और अगर 90 है तो कॉस 90 तुम्हारा 0 हो गया, तो सिर्फ ए आ जाएगा। गॉट इट, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आप फेज डिफरेंस के बेसिस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। सेकेंड अगर आपने क्या दिया कि व्हेन डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू व्हाट पाई, तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है व्हिच कैन बी गिवन एज यहाँ पर a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + 2 ऑफ a1 a2, ठीक है, एंड कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 इज -1, तो -1 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ a1 - a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आप उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो दैट्स व्हाट यू विल गेट a1 - a2, जो कि हमने लिखा हुआ है वहां पर, समझ में आया आप लोगों को, ये आपका a1 - a2 हो जाएगा। यस यस डेफिनेटली, ये एकदम से आपका जैसे वेक्टर एडिशन आप करते हैं एग्जैक्टली सेम चीज वही है, समझा, क्योंकि आप वेव्स बोल रहे हैं ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जहां भी डायरेक्शन मैटर करता है वेक्टर तो वहां हैगा, समझा, तो जहां भी डायरेक्शन है वेक्टर वहां पर हमेशा रहेगा। 0 कर लिया हम लोग ने, पाई कर लिया, पाई बाई 2 भी हम देख सकते हैं, सो नाउ देयरफॉर हियर वी कैन से दैट कि ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इन केस ऑफ व्हेन पाई इज, आई एम सॉरी, व्हेन डेल्टा फाई या फेज डिफरेंस जो है वो तुम्हारा कितना है, पाई बाई 2 का है, सो इट विल बी व्हाट, a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंस कॉस 90 इज 0, कॉस पाई बाई 2 जो हो जाता है वो 0 होता है, सो यू विल गेट जस्ट ar इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर। तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, तो ये जो है दो चीजें हैं, बट फिलहाल हमको जानना क्या था कि एम्पलीट्यूड
कौन सा नोड होता है, कौन सा एंटी नोड होता है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इतना सब कर लिया। एक्चुअल में हमको ये यहाँ नहीं करना था, हमको सिर्फ इतना जानना था कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैग्नीट्यूड यहाँ देख रहे हैं, एंटी नोड के केस में बड़ा होता है और नोड के केस में क्या हो जाता है, स्मॉल या आप ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं। तो जो नॉट होते हैं, जैसे रस्सी में हम धागा बांधते हैं ना, रस्सी में धागा बांधते, सॉरी धागे में गांठ मारते हैं, ठीक है, जिसको नॉट बोलते हैं, तो वो जो हो जाएगा, वो जो तो आपने वहां से इसे गट्ठी मारी है ना, वो उसको आप क्या बोल देंगे, वो नोड हो गया। और जो बच्चा बड़ा वाला एरिया है आप उसको एंटी नोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हेलो बच्चा, और जरा सबके साथ शेयर करते रहो, ठीक है, और लाइक वाइक कर लो भाई। कंजूसी किस किस चीज की कंजूसी है ना। अच्छे से ऑर्गन पाइप फिनिश करते हैं, सुनाओ, लेट्स गो अहेड। ये चीजें आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू दी, अगर हमने कोई भी सपोज जो यू नो यहाँ से पाइप ले लिया है, और वो हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिए, आपने क्या बोला कि पाइप जो है विच इज क्लोज एट वन एंड, और लेट अस अज्यूम कि इसका जो लेंथ है पाइप का वो क्या है, एल है। क्या कहा हमने, जो पाइप का लेंथ है वो क्या है, एल है। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर नोड और एंटी नोड फॉर्म होता है तो किस तरह से फॉर्म होगा, है ना, कितना नोड्स और कितना एंटी नोड्स फॉर्म होगा। तो स्टार्टिंग विथ इसको आप कह सकते हैं कि ये तुम्हारा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, और यहाँ कितना हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू एल, मतलब ओवरऑल लेंथ हो गया ना पूरा का पूरा। अब पोजीशन ऑफ नोड्स अगर हम देखेंगे, एंटी नोड्स, तो किस तरह से फॉर्म होगा। तो सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ नोड्स, देखो एक आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, मान लो कि एक एक जो नोड है और एक एंटी नोड फॉर्म हुआ है, यहाँ से वेव आके, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे आया, और ये यहाँ से ऐसे आके क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नाउ वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नोड फॉर्म हो गया और एक एंटी नोड फॉर्म हो गया है ना। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पहले तो एक हमको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द पोजीशन ऑफ नोड्स, फिर हम लोग फर्स्ट मोड और सेकंड मोड पे आते हैं। अगर मैं यहाँ कह दिया मैंने पोजीशन ऑफ नोड्स, क्योंकि एक ही फॉर्म हो ये जरूरी नहीं है, तो अगर हम क्या बोलते हैं कि जो अपना इक्वेशन होता है, ठीक है, आप इक्वेशन लिखते हैं वेव का, वहां पर आप क्या लिखते हैं कि साइन ऑफ ए साइन ओमेगा टी देन प्लस के एक्स माइनस के एक्स, उस हिसाब से। तो सिंपल सी चीज है कि नोड्स का मतलब क्या है कि जीरो ऑसिलेशन, क्योंकि वो क्या है नोड्स, यहाँ देखो ना हमने क्या किया कि एग्जैक्टली हमने बोला कि ये जो यहाँ पर जीरो है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं ना ऑसिलेशन, एंटी नोड पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो नोड मतलब है क्या है कि जीरो ऑसिलेशन है। जीरो ऑसिलेशन है उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नोड्स का मतलब ही होता है कि यू कैन से दैट विच इज जीरो ऑसिलेशन। अगर जीरो ऑसिलेशन है तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि देयर फोर जो साइन ऑफ के एक्स है That can be equal to zero, है कि नहीं। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो अगर आप साइन इनवर्स लेंगे के एक्स का वैल्यू मतलब कैसे निकलेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन का कौन कौन सा वैल्यू जीरो होता है, तो आप बोल सकते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, साइन 360 मतलब पाए, 2 पाए, 3 पाए, इस तरह से सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स आ जाएंगे। सो इट मीन्स दैट आई कैन से दैट के एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पाई, वेर एन कैन टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2, 3, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो योर सिंपल सी चीज है, हमको निकालना क्या है। तो अब ये चीजें जैसे हम लोग ने लिख दी, ठीक है, तो आपको याद होगा फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस का हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि एक अगर आप फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेज डिफरेंस इज वॉट, सिंस फेज डिफरेंस जो कि हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं याद है तो याद कर लो। क्या बोला मैंने, फेज डिफरेंस इज व्हाट, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस, मतलब
अगर हम ऐसा वेव ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कंप्लीट, ऐसे इस तरह से वेव्स जा रहे हैं, ठीक है, तो नाउ अगर एक लैम्डा से कुछ दूसरा वेव जो है वो डिफर कर रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में दूसरा वाला यहाँ से साथ में आ गया, वो इन फेज भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज भी हो सकता है, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ से कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो आप देख सकते हैं एक पूरा कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पर डेल्टा एक्स जो हो जाए कितना से पीछे है, जो दूसरा वाला वेव है वो आपका वो कितना से पीछे है, तो लैम्डा से पीछे है, अगर लैम्डा जो है वो पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस देखो कितना है, ये पाई है, ये पाई है, मतलब 2 पाई हो गया, तो ये फॉर्मूला बराबर है ना कि फेज डिफरेंस इज व्हाट इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस, तो वही चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हियर वी कैन से दैट इट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, बराबर बच्चा पार्टी, यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यस वी कैन, सो देयरफॉर एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट विच इज एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, है ना, क्योंकि यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, आप देख सकते हैं वन सेकेंड, दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसिल आउट, लैम्डा जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, एन लैम्डा अपॉन 2, अब यहाँ से ये एक्स जो मिला एक्चुअल में क्या मिला पता है आपको, एक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ नोड, अगर और यहाँ हमने लिख दिया था कि सिंस एन कैन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अब अगर मैंने क्या दिया कि सपोज एन का वैल्यू 0 है, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर एन इज इक्वल्स टू 0 एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 1, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से तुम्हारा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, है ना, तो लैम्डा बाई 2 इस तरह से, तो एन जो है मतलब आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ना ये 0 पे नोड जो है, यहाँ से चीजें तुम फाइंड आउट कर सकते हो, बट फिलहाल हमको वो नहीं निकालना है, हमको एन देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, तो नाउ लेट्स गो अहेड, तो जैसे हम लोग ने ये देख लिया कि पोजीशन ऑफ नोड्स कैसे आ सकता है, तो अब हम लोग नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स कि कौन कौन सा जो है तुम फ्रीक्वेंसी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, चलो जरा देखते हैं, तो इसको मैं वापस से ड्रॉ कर दूंगी बिकॉज फिर या चलो जाने दो इसको, हम ये एक यहाँ डायग्राम रखते हैं, लेट्स ड्रॉ दी अनदर डायग्राम, तो दूसरा डायग्राम अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, नाउ लेट मी टॉक अबाउट दी व्हाट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, और ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम किस केस में, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पर जो पहला हम बात कर रहे हैं, नाउ हियर वी कैन टॉक अबाउट दी व्हाट विच इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो वही जो पहला वाला डायग्राम हमने ड्रॉ किया कि जहां पर एक नोड और एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, तो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ दी डायग्राम, नाउ हियर ये अपना हो गया ऑर्गन पाइप, यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये देखो यहाँ से ऐसे चालू हो रहा है, क्योंकि वेव जो है वो स्ट्राइक हो गए, स्ट्राइक होने के बाद में ये क्या है, जो नीचे आप कह सकते हैं कि क्लोज एंड है वो क्या है, हार्ड सरफेस है ना, तो वहां से क्या हो जाएगा कि वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो इट विल गो लाइक दिस, नाउ अब क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एंटी नोड फॉर्म हुआ है और एक नोड फॉर्म हुआ है ना, इन फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज व्हाट वन एंटी नोड एंड वन नोड, और ये जो हमने एयर कॉलम लिया हुआ है पाइप, उसका लेंथ हमने अज्यूम किया है कि दैट लेंथ इज व्हाट इक्वल टू एल, अब ध्यान से देखिए इस चीज को, अगर यही मैं इसको यहाँ पर रेप्लीकेट करूं किस किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, अगर मैं यही वेव्स के फॉर्म में इसको ड्रॉ करूं, तो आप लोग मुझे बताएंगे
जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सिंपली ये ऐसा एक अपना वेव होता है ना। अगर हम वेव को ड्रॉ करेंगे, सिंगल सा कोई भी एक वेव मैं ड्रॉ करूं, लेट्स से कि मैंने इस तरह से ऐसे वेव ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसको कट करूं, बच्चा देख, जैसे हम लोग चॉप करते हैं ना, इस तरह से ऐसे 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 हम लोग ने चॉप किया, तो एक्चुअल में ये जो है ये अपना 1/4 वाला पार्ट है ना, वेव को जो मैंने कट किया है, तो एक्चुअल में ये 1/4 है, मतलब ये तो हाफ वेव भी नहीं है। अगर पूरा का पूरा वेवलेंथ जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, तो हाफ ऑफ 1/4 ऑफ जो वेवलेंथ है वो क्या होगा? लैम्डा बाय 4 होगा। तो कैन वी से दैट कि यहाँ पर जो एल का वैल्यू है विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, मुझे सब मुझे बता देंगे, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4? तो अगर एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ एल? हाँ या ना, बराबर। और यहाँ पर ना फिलहाल हम उसको λ1 यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको बाकी सारे मोड्स के बारे में भी बात करना है, एंड नॉट नेसेसरी कि सबका वेवलेंथ सेम हो, है ना, वेवलेंथ तो अलग होगा। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज सफिक्स λ1 λ2 डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा है, कि तुम्हारे कमेंट्स थोड़े टाइम बाद बंद हो जाते हैं, और जरा सबके साथ शेयर भी करते रहो, ठीक है? हाँ, अभी आ गए कमेंट्स। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तुम्हारे कमेंट्स ही ऑफ हो गए थे, तो आई वाज अनेबल टू सी। अगर किसी ने क्वेश्चन भी पूछा होगा, तो शायद से मैंने आप लोगों के क्वेश्चन जो है मिस कर दिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को कि λ1 का वैल्यू कैसे मिला। अब जैसे ही λ1 मिल गया, आपको पता है कि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो v इज इक्वल्स टू एल लैम्डा होता है। मान लो कि v हमने कह दिया कि विच इज व्हाट द वेलोसिटी, सो इट कैन बी रिटन एज एफ लैम्डा या एन लैम्डा। यहाँ पर हम n बोल दे रहे हैं, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब जब आप किसकी बात कर रहे हैं, तो लेट्स से n जो है हमने क्या कंसिडर कर लिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने कि n को मैं क्या बोल रही हूँ, n इज व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बेसिक, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो नाउ क्या हम एन निकाल सकते हैं? सो एन कैन बी रिटन एज व्हाट, विच इज, ठीक है, अगर यहां पर आप, ये तो इन जनरल एक्सप्रेशन मिला ना, दिस इज इन जनरल एक्सप्रेशन, राइट एवरीवन। अगर मुझे फर्स्ट के लिए निकालना है, ठीक है, मुझे फर्स्ट के लिए निकालना है, तो मान लो कि यहाँ पर अभी जो आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है यही है, और यहाँ मैं वेवलेंथ को λ1 लिख दे रही हूँ। इफ आई विल राइट दिस एज एन इज इक्वल टू वी, तो यू ही रहेगा मेरा, और λ1 की जगह पर मैं इसको 4L सब्सटीट्यूट कर दू। हाँ या ना, तो ये आपको किसका एक्सप्रेशन मिल गया, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, वन सेकेंड। हम यहां से ऐसे कर देते ना, सॉरी, सो नाउ दिस इज फाइन, ठीक है। सो ये हो गया अपना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिक, जो मतलब वहां पर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में बाकी सब इसका मल्टीपल्स होता है। अब मल्टीपल्स होता है, तो मल्टीपल्स हम कैसे लिखेंगे वो भी बता सकती हूँ। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ एन इंटू एल। मतलब अगर आपको क्या पता है, ऑर्गन पाइप का लेंथ पता है और फ्रीक्वेंसी पता है, तो यू पीपल कैन फाइंड आउट दी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। तो सिंपली वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या है विच इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एल इज दी व्हाट विच इज लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है। इट्स अ
लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। समझ में आया सभी को, एवरीवन? तो ये चीजें हो गई, ये तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया कि जिसमें हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब उसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, और याद रखना ये जो स्पीड है, मतलब इसको वेलोसिटी ना बोल के, क्योंकि फिर हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा। लेट मी कॉल दिस एज स्पीड, एंड दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड, एंड कहाँ पर? इन एयर। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, विच इज 344 मीटर पर सेकेंड, या 342 हम ले लेते हैं, 332 332 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, राइट? मैम ये वी का फॉर्मूला कहाँ से आया? मीना ये देख, जब आप लोग लाइट का भी वेलोसिटी बोलते हैं, तो लाइट का भी वेलोसिटी क्या होता है, आई मीन वेलोसिटी इन जनरल क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, जब हम लोग स्पीड बोल देते हैं। फिलहाल लेट्स नॉट कॉल दिस एज वेलोसिटी। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ या ना? और 1 अपॉन टाइम को ही हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यस और नो? सिंस जो फ्रीक्वेंसी होता है, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर मतलब आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, बराबर? सभी को समझ में आया? अब जब वेव मूव कर रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितना, एन है, तो वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है कि नहीं? पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने, ये बेसिक चीज तो पढ़ी है। आई होप के समझ में आ गया होगा कि कहाँ से मिला वेलोसिटी का फॉर्मूला, एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने। देन उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने सिर्फ लैम्डा वन, करंट केस में लैम्डा वन क्या है, तो करंट केस में लैम्डा वन हमने ये निकाला, दिस इज इन केस ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली वी पीपल कैन फाइंड आउट लैम्डा टू, जो कि हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम अगर बोल देते हैं कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और ये हम अभी तक क्लोज एंड की ही बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी ओपन एंड। तो जरा गौर फरमाना आप लोग, ठीक है? तो फिर से पाइप, ऑर्गन पाइप ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। लेट्स क्विकली ड्रॉ दी ऑर्गन पाइप। यहाँ अगर हमने कह दिया कि दिस इज दी, लेट्स से ओपन एट वन एंड, एंड बच्चा यहाँ पर जो हो जाएगा ना, यहाँ पर दो नोड और दो एंटी नोड फॉर्म होंगे। तो हम पहले से ही अपनी सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा अलाइनमेंट के साथ में ये पॉइंट्स ले लेते हैं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा परफेक्ट आ जाए। तो यहाँ से ये इस तरह से वेव जो होगा ऐसे आके फिर यहाँ से स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद में आपको पता है रिफ्लेक्शन होगा, तो ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ स्ट्राइक होगा, तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाके फिर ये यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होके, एंड इट विल गो लाइक दिस। समझ में आया आप लोगों को? तो ये इस तरह से वेव ऐसे जाएगा। सो नाउ ओवर हियर वी कैन से दैट ये आपका एंटी नोड हो गया, ये आपका एंटी नोड हो गया, दिस इज व्हाट द नोड, ये आपका क्या हो गया, नोड, ठीक है? बच्चा आप सभी लोग मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे फॉलो कर सकते हैं, ये पूरा नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। उसके लिए आपको, अगर आप अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर हैं, तो सिर्फ मेरे प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल लिंक डायरेक्टली दिया है। जिनके पास लर्नर ऐप नहीं है आप डाउनलोड कर लीजिए, और मेरा जो, या आप डायरेक्टली मेरा प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट, एंड आप मुझे इमिडिएटली फॉलो कर लीजिए। तो ये सब जो नोट्स है मैं शेयर कर दूंगी, या जो भी अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं पे करना होगा। समझ में आया? टर्न्स मीन क्या होता है, और जैसे आप एग्जांपल आप दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस केस में पूछ रहे हो। मनी आप कुछ स्पेसिफाई करो तो फिर मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। तो ये इस तरह से हो गया, दिख रहा है अपने पास में? नाउ हियर वी आर हैविंग टू एंटी नोड्स एंड दो नोड्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है? दो नोड्स एंड दो एंटी नोड्स हो रहे हैं। और यहाँ देखो, ऑर्गन पाइप का लेंथ हमने नहीं चेंज किया है, ऑर्गन पाइप का लेंथ जो है वो तो एल है ही है, बट नाउ दैट एल कैन बी रिटन एज, अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखो कितना वेव फॉर्म हुआ, अगर मैं इसको अगेन हम लोग
अपने समझने के लिए इस तरह से वेव के फॉर्म में ड्रॉ करें, तो वेव अपना कैसे होता है? वेव कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, हाँ या ना बच्चा भाटी? तो देखो, एक तो यहाँ पर ये ऐसा वाला आ गया है ना, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ भी कर दूं ताकि हमको अच्छे से चीजें समझ में आए, है ना, एक तो अपने पास में ये आ गया और दूसरा इतना हाफ है, मतलब ये पूरा का पूरा अगर क्या हो जाता है, लैम्डा होता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू होगा, राइट? अगर ये लैम्डा बाई टू है तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, है ना, दिस इज लैम्डा बाई टू, और ये कितना है? लैम्डा बाई फोर है, तो अगर हम यहाँ ऐड करें लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, एक्चुअल में क्या है, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस 3 बार लैम्डा बाई फोर है, वो कैसे बताती मैं आपको। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दू, 1 सेकेंड, सो नाउ ओवर हियर मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिंपली लेट मी जस्ट, जैसे हम लोग कट करते हैं ना एप्पल को, हम लोग कट करते हैं 4 पार्ट्स में, वैसे हम लोग ने इसको इक्वल 4 पार्ट्स में कट कर दिया इस तरह से, और एक पार्ट का जो वैल्यू है ना, इट इज लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर है, ये लैम्डा बाई फोर है, दिस इज लैम्डा बाई फोर, ये भी लैम्डा बाई फोर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, तो ये सारे लैम्डा बाई फोर है, और अपने को कितना लेना है, वी हैव टू कंसिडर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो 3 बार, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई फोर होगा, ठीक है। ऑर्गन पाइप में क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो वहां पर ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होगा, वो तुम्हारा नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ नोड्स हो सकता है, ठीक है, हम आते हैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं, ठीक है मानी, टेंशन ना ले, आज हम क्वेश्चन इसके सारे करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई फोर ना, सो लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, मतलब कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई फोर, ये जो एल का वैल्यू है वो कितना मिल गया, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई फोर, बट उसको हम लोग ने लैम्डा वन बोला था, तो इसको हम लैम्डा टू बोल देते हैं, क्योंकि वेव लेंथ जो है वो सेम नहीं है ना, तो ये तुम्हारा लैम्डा टू, लैम्डा टू, या हम लैम्डा टू बोल दे रहे हैं, क्लियर है सभी को, समझ में आया? तो ये आ गया, और जैसे ही ये मिल गया, तो क्या हम यहाँ से, सिंस ये बोल सकते हैं हम कि दैट एल इज गिवन एज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा टू अपॉन फोर, सो देयर फोर लैम्डा टू क्या हो जाएगा, इट विल बी 4L अपॉन 3 हो जाएगा, परफेक्ट। अब हम लोग वापस से फॉर्मूला लिखेंगे कि सिंस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा इट कैन बी गिवन एज वॉट, और इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको एन वन बोल दूं मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले को क्या बोला है, एन बोला है, तो सेकेंड वाले को मैं एन वन बोल देती हूँ, इफ आई एम कॉलिंग दिस एज एन वन, या अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम एक एन वन हो जाएगा दूसरा लैम्डा टू हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, या एक काम करते हैं हम इसको लैम्डा ही ले लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए जो फर्स्ट वाला केस था ना, लेट मी टेक दैट एज वॉट लैम्डा ओनली, सो दैट कि हम नेक्स्ट वाले केस में लैम्डा वन बोल देंगे, समझ में आया बच्चा आप लोगों को, जिसमें हम लोग ने एन बोला ना फंडामेंटल में, उसमें लैम्डा ही ले लो, और नेक्स्ट वाले केस में हम क्या ले लेते हैं, उसको लैम्डा वन बोल देते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो पता चला एक हम लोग एन टू एन वन लिख रहे हैं, दूसरा लैम्डा टू, तो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, लैम्डा वन बोल देते हैं, लैम्डा वन, लैम्डा वन, लैम्डा वन, यहाँ से लैम्डा वन हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी लैम्डा वन, ये आपका लैम्डा वन हमने लिख दिया, तो ये एन वन लैम्डा वन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड थोड़ी चेंज होगा एयर में, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल रिमेन द सेम, तो अब आप जब फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी कैन बी रिटर्न एज, वी क्या हो जाएगा, एन वन का वैल्यू तो हम एन वन ऐसे ही लिखेंगे, लैम्डा वन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4L/3, है ना, ये आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया वेलोसिटी का इन केस ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंड अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं कि एन वन कैन बी रिटर्न एज वॉट, विच इज 3/4 टाइम्स वी अपॉन एल, या फिर 3/, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3V अपॉन क्या हो जाएगा, 4L, है ना,
ये चीजें आराम से हम ऐसे लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से मुझे सब बता दो, एवरीवन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, देखो अपना ये जो मिला है N1 कितना मिला है, मतलब जो N मिला है इट इज V अपॉन 4L है। तो अगर मैं V बाय 4L को साइड में रखूं, ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 times ऑफ V बाय 4L, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 3 times ऑफ N है, हाँ या ना? 3 times ऑफ N है, मतलब आप कह सकते हैं कि N1 इज वर्थ 3 times ऑफ N। जो फ्रीक्वेंसी आपका कह सकते हैं कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में प्रेजेंट है, इट इज 3 times ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हियर आई कैन से दैट N1 इज व्हाट 3 times ऑफ N, क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और या फिर हम उसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 times ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अब आया क्वेश्चन कि मैम हार्मोनिक क्या होता है, और ये जो N1 है, N1 क्या बोल सकते हैं आप? दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। और यहाँ जो हमने N लिखा हुआ है, इसको मैंने तो आपको कह दिया कि इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। 3N कैसे आया वहां पे नहीं समझा। अच्छा ठीक है, चलो मैं 3N कैसे आया मैं एक बार बता देती हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट हार्मोनिक, एक सेकेंड बच्चा, इसी को क्या हो गया, जरा एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। ठीक है, जानने से कुछ नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? जीरोथ ओवरटोन। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? जीरोथ ओवरटोन। देखो अब ये जो 3N कैसे आया, ये ध्यान से सुनो। किसका क्वेश्चन था? आई थिंक तनाया आपका क्वेश्चन था। देखो N का एक्सप्रेशन क्या मिला हमको? N का एक्सप्रेशन वी हैव गॉट V अपॉन 4L, राइट? N जो मिला है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, N क्या मिला है हमको? V अपॉन 4L मिला है। और जो N1 आपको मिला है, N1 का एक्सप्रेशन देखो, हम लोग ने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया लैम्डा 1 का, तो हमको N1 का एक्सप्रेशन क्या मिला? 3 times ऑफ V अपॉन 4L। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर 3 को साइड में रख लिया और V बाय 4L को ऐसे लिख दिया। तो V अपॉन 4L को तो हम N सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना, वी कैन सब्सटीट्यूट V अपॉन 4L एज N, क्योंकि वही हमको मिला था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो था फंडामेंटल। तो सिंस वो हमने वहां पर सब्सटीट्यूट किया, तो हम बोल सकते हैं कि N1 जो है वो 3 times ऑफ N होता है। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि ये 3 times ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या 3 times ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक है, और N1 को हम फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। समझा? N1 को वी कैन से दैट फर्स्ट ओवरटोन। अब पहली बात ये, यहाँ जरा ब्रैकेट में समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरटोन। ठीक है, हार्मोनिक क्या होता है? तो हार्मोनिक जो है वो मतलब कंपलसरी बोलते हैं ना कि ये रहेगा ही। ठीक है, मतलब हार्मोनिक में ऑप्शंस नहीं होता है कि अगर कोई सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर आप लोग में से कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि देखो वहां पर अलग अलग पूरा जो नोट्स होता है, नोट मतलब यहाँ पर क्या है कि साउंड। ठीक है, तो उसमें हार्मोनिक मतलब जो कंपलसरी फ्रीक्वेंसीज वो प्रेजेंट हैं वो रहेंगे, तो वो तुम्हारा हार्मोनिक्स हो जाता है। ठीक है, ओवरटोन मतलब ओवरटोन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो ऐसा ओवरटोन के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। और ओवरटोन जो होता है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं इट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एंड जब आप ओवरटोन की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो ओवरटोन क्या हो जाएगा? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक
क्लियर सभी को समझ में आया? जैसे मैं यहाँ अगर एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है, मान लो कि कोई आपको जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, कुछ नोट दिया है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है कि लेट्स से दिस इज एन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एन है, 5 एन है, 6 एन है, 7 एन है, देन उसके बाद में 9 एन है, लेट्स से उसके बाद आपको 100 एन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं किसके टर्म में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये पूरा एक सेट ऑफ नोट है, जो साउंड कुछ तो है ऐसा होगा कि जिसका फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट यू पीपल कैन से कि जो एन है ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एन क्या है, इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आया आप लोगों को? देन उसके बाद में आप देखो फिर क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ एन आया, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ एन आया यहाँ पर, ये जो आपको मिला, तो ये क्या है, ये तो फंडामेंटल नहीं है। आप क्या बोलेंगे, जो इंटीजर प्रेजेंट है वो हार्मोनिक है, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक है। क्या कहा हमने इसको, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन बोलेंगे तो ओवरटोन में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं इसको, ये तुम्हारा जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो जीरोथ ओवरटोन हो गया। फर्स्ट हार्मोनिक को हमने क्या बोल दिया, दिस इज जीरोथ ओवरटोन, ठीक है। देखो ओवरटोन एक पीछे से चालू होता है, जो फर्स्ट रहता है हार्मोनिक, फंडामेंटल वाला फर्स्ट हार्मोनिक हो जाता है, वो टाइम ओवरटोन आप कह सकते हैं कि वो जीरो है, 0 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग। थर्ड हार्मोनिक वो क्या बोलोगे आप कि मैम ये सेकेंड ओवरटोन होगा, नहीं, यहाँ पर जैसे कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट है वो, तो ये आप कौन सा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यहाँ पर एन दिया था उसके बाद 3 एन आया, तो हम इसको बोल देंगे दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने क्या बोला। हार्मोनिक में हम देखेंगे कि कौन सा इंटीजर दिया हुआ है, तो जो इंटीजर है वो हार्मोनिक है, बट ओवरटोन लाइन से काउंट होता है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वहां भी कोई नंबर मिस नहीं करेंगे। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि तुम्हारा जब ओवरटोन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज व्हाट, एक सेकेंड, ये गड़बड़ कर दिया। हार्मोनिक्स मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, प्लीज गाइज एक करेक्शन कर दो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग है, बट जब हम ओवरटोन की बात करते हैं तो दैट मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, वो लाइन से आप काउंट करेंगे, मतलब वहां पर कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज ये जरा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा ऊपर जाके आप लोग अगर आप नोट्स फॉर्म कर रहे हैं तो करेक्शन कर लीजिए, अदरवाइज मैं ये एनीवेज पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगी, तो उसमें आप आराम से करेक्टेड मिल जाएगा। ऑल राइट, यस एब्सोल्युटली। ऑड हार्मोनिक्स देखो, पर सारे ऑड नहीं है ना, मैंने 6n भी लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 5n लिखूंगी, आई कैन से दैट कि यहाँ कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है, फिफ्थ हार्मोनिक, अब मैं एच लिख दे रही हूँ सिर्फ, और कौन सा ओवरटोन होगा, तो दिस विल बी सेकेंड ओवरटोन, यहाँ मैं इसको फोर्थ ओवरटोन नहीं बोलूंगी, इट विल बी सेकेंड ओवरटोन। सिमिलरली अगर मैंने 6n बोल दिया तो आई आई विल कॉल दिस एज व्हाट, सिक्स्थ हार्मोनिक, एंड ये मेरा थर्ड ओवरटोन होगा, दिस विल बी माई थर्ड ओवरटोन। और 6n के बाद मैंने क्या लिखा है, 7n 9n, तो 7n हो गया, तो सेवेंथ ओवरटोन, सॉरी सेवेंथ हार्मोनिक, एंड फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन मीन्स मैम ये सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, इसीलिए देख मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मानी मे बी और मे नॉट बी, सारे फ्रीक्वेंसीज लाइन से भी प्रेजेंट रह सकते हैं, मतलब एन 2n 3n 4n 5n ऐसे लाइन से भी हो सकते हैं, और यह हो सकता है मिसिंग भी हो, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सबको प्रेजेंट रहना ही जरूरी है या यही एबसेंट रहेगा, समझा। तो वो जैसे बोलते हैं ना, अपने मर्जी का मालिक वाला सीन है यहाँ पर, कि हो भी सकता है ये आपका लाइन से भी फ्रीक्वेंसी दिया जा सकता रहेगा, कि
एन है, फिर 2n है, 3n है, 4n है, 5n, ऐसे लाइन से भी हो सकता है। अगर लाइन से है तो आप क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा कि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। अगर कुछ बीच में नहीं प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो मिसिंग है वो हार्मोनिक्स नहीं प्रेजेंट है। बट ओवरटोन्स जो होता है हम लाइन से काउंट करते हैं। हार्मोनिक्स कुछ भी दिया हो, ओवरटोन जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो पहला फ्रीक्वेंसी वो फंडामेंटल हो जाएगा, वो जीरोथ हार्मोनिक हो, सॉरी जीरोथ ओवरटोन हो गया। उसके बाद में फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसा लाइन से काउंट होगा। इंटीजर कुछ भी हो, मतलब कौन सा भी हार्मोनिक हो, हमको उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा सिक्स हार्मोनिक। ये तो एग्जाम्पल लिया है हमने, दिस इज एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग तो ऑर्गन पाइप पे आए ही नहीं, एक्चुअल में ये चीज करना था, तो इसीलिए हमने समझना है कि एग्जैक्टली ओवरटोन और हार्मोनिक का मतलब क्या होता है और कैसे हमको पता चलेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है और एग्जाम्पल काफी बड़ा हो गया है अपना, ठीक है। सो 9n हो गया, मतलब यहाँ मैं कह सकती हूँ कि विच इज 9th हार्मोनिक। ये हो गया आपका 9th हार्मोनिक एंड 5th ओवरटोन, ठीक है। एंड सिमिलरली लास्ट वाला, आई थिंक मैंने 100n लिया है, सो आई कैन कॉल दिस एज व्हाट, विच इज 100th हार्मोनिक, और ये 6th ओवरटोन होगा। तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे भाई, और ये तो 100th तो हार्मोनिक है, तो ये कम से कम 90 तक तो पहुंचना चाहिए ओवरटोन, ऐसा नहीं है। जो दिया है सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइन से काउंट कर लो, समझा? उम्मीद है कि आप लोगों को हार्मोनिक और ओवरटोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ये क्या है बच्चा? निखिल क्या बोल रहा है, मैम 6th तो होता नहीं है, ऐसे तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 पाई वाले रूल को फॉलो नहीं होगा। निखिल जस्ट ये एग्जाम्पल लिया है 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो जब आप ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने, ये याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दिस इज आई हैव नॉट रिटन इट फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। तो मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ, ये जो इन जनरल एग्जाम्पल है ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिया हुआ है। अभी तक हमने स्पेसिफिकली विच इज पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए नहीं लिया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट निखिल, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड, तब हमको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज मतलब जो रहेंगी लेंगे, ताकि वो जो 2n+1 वाला फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करे। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है ताकि हमको समझ में आए कि एग्जैक्टली ओवरटोन का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है, कौन सा ओवरटोन प्रेजेंट है। समझा आप लोगों को? अभी हम स्पेसिफिकली किसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड उसमें कौन सा हार्मोनिक है और उसमें कौन सा ओवरटोन है, वो हम अभी आएंगे। आई थिंक समझ में आ गया। ओवरटोन का कोई फॉर्मूला है तो हमें कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पर हम करते हैं ना। क्या बोल रहा है राशि, राही मैम हार्मोनिक वाला वापस बताओ ना। हाँ, सुन लिया सुन लिया, स्पैम करने की जरूरत नहीं है, स्पैमिंग नहीं करो आप लोग, ठीक है। देखो हार्मोनिक का मतलब होता है, सिंपल सी चीज ये एक याद रखो आप, हार्मोनिक मतलब जो भी इंटीजर प्रेजेंट है, एक सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी बेसिक बोलते हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनेगा कहाँ से, बनेगा 0 देन 1 2 3 इस तरह से। तो ये आप जो बोल रहे हैं जो 0 हो जाएगा ना, ये फंडामेंटल हो गया बेसिक, ठीक है। तो जो फंडामेंटल हो जाता है वही आपका क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। अब उसके बाद में जरूरी नहीं है कि सेकेंड वाला प्रेजेंट हो, थर्ड वाला प्रेजेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, या सारे प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसका है। ओ मैंने ये चीजें उल्टा कर दिया था, एक सेकेंड, यहां मैंने इसको चेंज किया तो मुझे ये भी चेंज करना चाहिए था ना। हाँ ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअल में मैंने बाय मिस्टेक वो हार्मोनिक्स में लिख दिया था, दिस इज व्हाट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जो भी, अगर आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया, उसके आगे जो भी इंटीजर दिया हुआ है, अगर वो इंटीजर जैसे आपने 3n बोल दिया, 5n बोल दिया, तो मतलब वो हार्मोनिक प्रेजेंट है। समझ में आया आप लोगों को?
ये हमने चेंज किया, मैं नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर ट्रांसफर करना भूल गई थी, तो ये मस्ट बी प्रेजेंट होगा, मस्ट बी प्रेजेंट. क्लियर एवरीवन? तो हार्मोनिक क्या है? इट इज सिंपली यू कैन से दैट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मान लो एन है, एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, थ्री टाइम्स ऑफ एन दे दिया तो थर्ड हार्मोनिक, टू टाइम्स ऑफ एन दे दिया तो सेकेंड हार्मोनिक. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझा? चलो अब हमको कहाँ आना है. हाँ, तो ये मैंने आपको बोला था ना कि एन वन इज वॉट, विच इज थ्री टाइम्स ऑफ एन हो गया, है ना? एन वन इज वॉट थ्री टाइम्स ऑफ एन. तो अगर ये थ्री टाइम्स ऑफ एन हो गया तो मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट ओवरटोन है वो थ्री टाइम्स ऑफ हार्मोनिक्स है, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया. अभी अपना थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बचा हुआ है, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर डालती हूँ एंड लेट मी, अब आई थिंक हम फास्ट जा सकते हैं. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, सो नाउ सिंपली इट कैन बी रिटन एज वॉट. अब यहाँ पर अगर हम पाइप ड्रॉ करेंगे, लेट मी ड्रॉ इट, आई एम सॉरी, और ये रही अपनी ऑर्गन पाइप, ठीक है. अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तीन हार्मोनिक्स और तीन, सॉरी, तीन ओवरटोन्स एंड तीन, क्या बोला मैंने, तीन नोड और तीन एंटी नोड प्रेजेंट होंगे. आई एम सो सॉरी फॉर इट. तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, ये फर्स्ट मोड ऑफ हो गया, यहाँ पर एक, एक दो तीन, क्योंकि एक तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो जो वेव होगी वो इस तरह से आएगी, मतलब जो यहाँ आप कह सकते हैं ना वेव फॉर्मेशन होगा, तो इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से स्ट्राइक होके ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. हम बाद में इसको देख लेते क्या करना है अपने को. ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होके ऐसे आ गया, समझ में आया आप लोगों को? सो नाउ ओवर हियर दिस विल गो लाइक दिस, ये यहाँ से आप इसको सिंपली ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे गया, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन नोड और तीन एंटी नोड फॉर्म हो रहा है. तो वन टू थ्री, ठीक है. तो नाउ यू गाइस कैन से दैट सिंपली एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये आपका क्या हो गया, दिस इज नोड, हियर इज नोड, हियर इज नोड, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक एंटी नोड हुआ, ठीक है. दिस इज वन एंटी नोड, टू, थ्री. तो हमारे पास में तीन जो है वो एंटी नोड फॉर्म हुआ और तीन जो है नोड फॉर्म हुआ है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? तो नाउ अब हमको पता है कि जो हमने ऑर्गन पाइप लिया है उसका लेंथ तो हम लोग ने चेंज नहीं किया है, ठीक है. लेंथ अगर चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ जो हो जाएगा ये एल हो गया एल. अब वापस से अपने को लैम्डा के टर्म में लिखना है. तो अगर आप वेव ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम वेव को ड्रॉ कर रहे हैं, या मैं इसी में बता देती हूँ, देखो ये आपका कंप्लीट वन वेव हो गया, है ना. मैं इसको अगर यहाँ से चॉप कर दूँ इस तरह से बीच में, है ना, इस तरह से हमने इसको चॉप कर दिया, और ये भी आपका क्या है, दिस इज वन फोर्थ पार्ट ओनली, और एक पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना है, लैम्डा बाई फोर है, ठीक है. दिस इज लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर. जैसे हम लोग ने एप्पल को कट किया ना, एक पीस का जो वैल्यू वन फोर्थ हम बोल देते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये वन फोर्थ है. टोटल कितना बार आया है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ओवरऑल कितना आ गया, इट इज फाइव लैम्डा बाई फोर, एंड आई विल कॉल दिस एज लैम्डा टू. क्यों? क्योंकि लैम्डा हमने जो यूज किया है वो फंडामेंटल वाले केस में यूज किया है, तो नोटेशन के लिए सिर्फ इसको हम लैम्डा टू बोल दे रहे हैं. आई होप कि सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. अब जैसे ही ये आ गया, वापस से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. सेम फॉर्मूला कौन सा, विच इज सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज वॉट. मान लेते हैं कि एन टू जो है, विच इज द फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब एन टू, एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, लैम्डा टू है. तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वी कैन बी रिटर्न एज एन टू, और ये देखो कितना मिला है, फाइव लैम्डा टू बाई फोर, दिस इज फाइव लैम्डा टू बाई फोर. समझ में आया आप लोगों को? तो
जो लैम्डा टू है, लैम्डा टू को अगर हम लोग यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि एल कैन बी रिटर्न एज वॉट 5 लैम्डा 2 बाई 4, है ना। तो लैम्डा टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टू कैन बी रिटर्न एज 4 टाइम्स ऑफ L/5, बराबर कि नहीं। तो 4 टाइम्स ऑफ L/अपॉन क्या हो जाएगा, 5। यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, हमको क्या सब्सटीट्यूट करना है, और लैम्डा टू क्या किया है, सॉरी वी हैव टू सब्सटीट्यूट लैम्डा टू। तो लैम्डा टू क्या है, 4L/5 है। दिस इज 5 लैम्डा 2/4, तो लैम्डा टू विल बी 4L/5, ठीक है। तो यहाँ से 4L/5 हो गया। नहीं, ये कुछ तो उल्टा लिखा है ना हमने। दिस इज एल इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 + 2, लैम्डा 2 + 2, ठीक है। सो वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया। हाँ, गड़बड़ कर दिया। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो एनीवेज वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग एन टू का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ना, तो वी अपॉन लैम्डा टू लिख देते हैं। सो वी अपॉन लैम्डा टू लिखेंगे, सो वी विल गेट एन टू एज, वी तो यूं ही रहेगा, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 4L/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ वी अपॉन लैम्डा, 4 लैम्डा, और आपको पता है v/4 लैम्डा एन है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एन टू इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। ये 5 टाइम्स ऑफ n है, तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बच्चा पार्टी सीख गए, ठीक है। यस एब्सोल्युटली राइट, दिस इज 5th हार्मोनिक, ठीक है। ये क्या है, 5th हार्मोनिक है, और कौन सा ओवरटोन है, सो सेकेंड ओवरटोन है, समझ में आया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एट दी एंड आप लोगों ने एकदम से करेक्ट आंसर किया, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब। तो 5th हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, तो ये सब निकाल के अल्टीमेटली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे हम बाकी भी निकालेंगे, आप चाहें तो 3rd हार्मोनिक, 3rd ओवरटोन, वो सब भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैम यहाँ पर यही चीज मिलेगी हमको, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि सारे ऑड क्या मिल रहे हैं आपको, देखा 1st हार्मोनिक मिला, फिर 3rd हार्मोनिक मिला, फिर 5th हार्मोनिक मिला, तो यू पीपल कैन कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंक्लूजन हो जाएगा कि ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, एंड अगर हमको ओवरटोन निकालना है तो ओवरटोन के लिए क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी चीज है कि जैसे nth ओवरटोन निकालना है, सिंस आपने कह दिया कि मान लो जो फ्रीक्वेंसी है, फिलहाल हम उसको f के टर्म में लिख लेते हैं, तो मान लो आपने क्या बोल दिया, fn विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन, सो इट कैन बी गिवन एज लेट्स से 2n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी आपका सॉरी अपॉन नहीं, इंटू f1, f1 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने कह दिया वो है, ठीक है। और नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन ही लिखला है ना, तो ये तो तुम्हारा सारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि जो दिस विल बी, अच्छा मैंने ये लिखा नहीं, मैं यहाँ ओवरटोन लिख देती हूँ, ये तो आपका बेसिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन, ठीक है, लेट्स से इफ आई हैव टू फाइंड आउट दी वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, तो nth ओवरटोन हो जाएगा, सो देयरफॉर आई कैन से दैट व्हिच इज fn इज इक्वल्स टू n, इट कैन बी गिवन एज 2n+1 एंड व्हिच इज इनटू f1। तो देखो f1 क्या है, आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली चीज कि f1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो आपको सपोज कि हार्मोनिक निकालना है, आपने क्या बोल दिया कि n इज व्हाट, इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 बोल दिया, तो सिंपल, और यहाँ पर n नंबर है, n इज इंटीजर, ठीक है। ऊपर मैंने n के टर्म्स में जो लिखा था वो फ्रीक्वेंसी था, आपको लगता है कि अगर हमको कंफ्यूजन होता है मैम, तो कंफ्यूजन के लिए आप वहां भी उसको f से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, और अगर इफ यू आर ओके विथ इट, आप जो दिमाग है वो सही सही एकदम जगह पर, ठीक है, सही ठिकाने पर रख के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सो कोई बात नहीं। तो यहां से देखो n अगर आपने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, तो 2-1 1 हो जाएगा f1,
F1 बोल दिया आपने तो मतलब क्या आ गया, फंडामेंटल आ गया। फिर अगर आपने एन को टू ले लिया, एन को टू ले लिया तो टू टू सा फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हार्मोनिक्स मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक्स। एंड वेयर एन कैन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम एन कांट बी जीरो, एन जो है वो जीरो नहीं होगा, एन कैन बी इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। इस तरह से समझ में आ गया आप सभी लोगों को, एवरी वन? ठीक है, और इस केस में जो है आप जो है यहाँ पर भी एन वन टू थ्री आप यहाँ से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो याद रखना कि एन जो है वो जीरो नहीं होगा। एन का वैल्यू मैंने आपको बोल दिया, इट स्टार्ट्स विथ व्हाट, हमें इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं, तो इंटीजर्स वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे होता है। ठीक है, हार्मोनिक्स का पता चलेगा ना, ये देखना हार्मोनिक्स का पता, निखिल ये क्या पता ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है अपने को बता। यहाँ जब हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एन का एन जो है अगर हम लोग वन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, टू इंटू वन इज टू है ना, माइनस वन, वन हो गया एफ वन। तो एफ वन क्या होता है आपका, एफ वन इज नथिंग बट दी वॉट, सिंपल सी चीज है वो, तो तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक ही होता है। अब अगर एन को आपने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, लेट्स से टू सब्सटीट्यूट कर दिया, सो टू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो टू टू सा फोर माइनस वन, फोर माइनस वन मतलब थ्री, थ्री टाइम्स ऑफ एफ, आपको पता है ना थर्ड हार्मोनिक आ जाता है। समझ में आया आप लोगों को किस तरह से हम हार्मोनिक्स और ओवरटोन निकाल सकते हैं? तो ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, विच इज अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है मैम, जैसे थ्री लैमडा टू बाई फोर है, इसमें थर्ड हार्मोनिक एंड ओवरटोन वन होगा, थ्री लैमडा बाई फोर। ये देख आपका इक्वेशन जो आता है वो इसके टर्म में, लैमडा के टर्म में मत लिखो, ये इस तरह से आप लिख लो। ठीक है, मैंने बोला ना कि आप 4L मतलब V के टर्म्स में लिख लो, L के टर्म्स में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 3 लैम्डा बाय 4 जैसे आपने कौन सा वो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में मिला था, 3 लैम्डा बाय 4 है तो ये फर्स्ट ओवरटोन है एंड थर्ड हार्मोनिक है। यस इट इज थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, क्लियर है, बेसिक सी चीजें याद रखो यार, इसमें कुछ नहीं है एकदम से, वो जो वेलोसिटी मतलब स्पीड डिस्टेंस रिलेशन होता है वो सब चीजें जो है आप थोड़ा सा वो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बाकी सब चीजें एकदम से प्रॉपर है। अभी अपने पास बचा क्या है, आई थिंक मुझे इसके लिए एक और लेक्चर कंडक्ट करना पड़ेगा, तो वॉट आई विल डू इसके अभी PYQs तो आज हम लोग 10:30 PM कर लेते हैं। ठीक है, टुनाइट एट 10:30 PM वी विल डू दी व्हाट PYQs, और जो एक और पार्ट बचा हुआ है विच इज पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, अभी हमने क्या, ये लेक्चर हम यही स्टॉप करें, चिंता मत करो यार भाई तुम लोग। ठीक है, सो पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, ये हम लोग कल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एंड करेक्शन, इवन इसमें भी होता है, अभी हमने एंड करेक्शन वाला पार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस उसके बाद में एंड करेक्शन, वो मैं आपको ये हम कल कर लेंगे। ठीक है, सो दैट की अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। एनीवेज अभी अपना दूसरा क्लास 10:30 PM है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। मानी अभी तक मैंने यहाँ पर आई थिंक स्टैंडिंग वेव्स नहीं कराया हुआ है, जो हम लोग अभी स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग वाला मैंने एक्चुअल में बाद में शायद से उसको स्केड्यूल किया है, आज अपना ओवरटोन्स आई मीन सॉरी ऑर्गन पाइप हो जा रहा है, उसके बाद में स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वाले केस में वहां पर हम स्टैंडिंग वेव्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल ही है आई थिंक आपका 8 PM जो लेक्चर होगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कल ही जो होगा वहां पर हम लोग क्या कवर कर लेंगे, स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और उसमें हम स्टैंडिंग वेव्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी मतलब दो लेक्चर्स अपना हो जाएगा, तो दोनों लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, और जरा आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझेगा। साथ ही साथ मेरी नई बैच स्टार्ट हो रही है, प्रतिभा बैच फ्रॉम 2 मार्च ऑनवर्ड्स, और इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स आपका कवर होगा, एंड फिजिक्स इज टेकन बाय माई सेल्फ और शुभम सर, बायो आपके तीन टीचर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तीनों ही एक्सेलेंट टीचर्स हैं। ठीक है,
तो आपका आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। और केमिस्ट्री इज व्हाट टेकन बाय सुनील सर। तो जिस जो भी सोच रहा है कि हमको अच्छे से पढ़ के प्रिपरेशन करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म। एंड यू पीपल कैन यूज माई कोड बच्चा। मेरा कोड जो है अर्चना 10 है, ARCHANA10। आप में से काफी सारे लोगों को पता है। तो अभी फिलहाल 28th तक, कल तक ये आपके पास ऑफर है। 3 मंथ पर आपको 33% ऑफ मिल रहा है। इट इज जस्ट यू आर गेटिंग इन 11,813 में। और 6 मंथ पे आपको 28% ऑफ है। बाकी ये सब बाकी बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं। कोई भी बैच ज्वाइन कीजिए, किसी से भी पढ़िए विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। अगर किसी को लगता है हमको सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, तब भी आपके पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से ये कोड यूज कीजिए एंड यू विल गेट माय मेंटरशिप आल्सो। उसके अलावा अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि सबने आज प्रोडिजी दिया होगा। एंड ये सारे जो नोट्स हमने लिखे हैं अच्छे से, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। सो यू पीपल हैव टू फॉलो मी। मेरा प्रोफाइल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अर्चना पांडे अन अकेडमी प्रोफाइल। आप ओपन करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, आप सिंपल सा पिक्चर क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, लैंग्वेज चूज कीजिए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड बेवजह सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको पूछें, कहाँ जाएं, क्या करें। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चा, तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, सारा का सारा डाउट जो भी क्वेरी है वो आपका एग्जाम रिलेटेड या अदरवाइज स्ट्रेटेजी, सब चीजें आपको आंसर मिलते हैं। आप स्लॉट्स वगैरह अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कर सकते हैं। आप पूरा पर्सनलाइज गाइडेंस रहता है, मतलब आपके ऊपर फोकस। यू नो यू विल गेट लाइक वो जो VIP वाला फीलिंग होता है ना, तो आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इट इज फॉर ऑल आइकॉनिक स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनीवन वांट टू नो कि लाइक मैम प्लस और आइकॉनिक का प्राइसेस क्या है, तो मैं जस्ट एक वो आपको बता देती हूँ एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास, ठीक है। तो चलिए तो नाउ ये रहा मेरा कोड एंड उम्मीद है कि सबने देखा है। और अगर आप किसी और को भी जरूरत है, कोई भी अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म अगर ज्वाइन करता है ये कोड के साथ में, तो उसको इमिडिएटली मोर देन 1 ईयर पे 10% ऑफ। और अगर उसके अलावा फिलहाल जो ऑफर्स वैलिड है आप ज्वाइन करते हैं, तो वो सारा बेनिफिट आपको 33% ऑफ का मिल रहा है। देखो प्लस में ये सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स। आइकॉनिक में इसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो यहाँ फिलहाल आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मोर देन 1 ईयर पे। एंड यस माई कोड इज अर्चना 10। तो आप खुद भी यूज कीजिए, दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, प्लस का भी सेम वे है बच्चा, तो कोड इज सेम ओनली। तो आप लोग जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मेरी एक बैच रनिंग है, ठीक है, एक क्या काफी सारे बैचेस रनिंग है। और आप आराम से अगर आपको जितना फास्ट कवर करना है, और दूसरा जो है 2nd मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो इजीली यू पीपल कैन ज्वाइन। अगर अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आप बेनिफिट भी ले सकते हैं 33% ऑफ वाला, याद रखिएगा ये कोड। बाकी ये रणनीति बैच मेरी चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ एंड गुड नाइट। मिलते हैं 10:30 PM वाले क्लास में, बिकॉज एनीवेज हमको PYQs करने हैं, ठीक है। तो सबके साथ शेयर कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है, बिजी थे आप लोग तो लाइक भी कर लीजिए। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स के लिए टेंशन ना लीजिए। बस खाली आप मुझे अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे फॉलो कर लेना, बिकॉज अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि नोट्स कहाँ गए, कौन सी दुनिया में गए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, सी ऑल गाइज एट 10:30 PM। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से अपना डिनर कर लो आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं।